सो गाइस जिस चीज़ का यार इतना ज़्यादा वेट किया था ना, बुक किए हुए बाइक को 2 महीने हो चुके थे, सो फाइनली अपनी ट्रायम्फ स्पीड 400 हमारे सामने आ चुकी है और आज फाइनली इस बाइक की हम डिलीवरी लेने वाले हैं। और इस बाइक का आपको जितना भी कंटेंट देखना है ना, सारा बता दो जाके कमेंट बॉक्स में, फटाफट इस बाइक की डिलीवरी लेने के बाद ढेर सारा कॉन्टेंट आने वाला है। तैयार होने में इतने ज्यादा एफर्ट्स। अरे यार आज खुशी का दिन आ चुका है। वो तो मुझे दिख रहा है। तो गाइस फाइनली आज वो दिन आ चुका है कि हम अपनी ट्रायम्फ की स्पीड 400 की डिलीवरी लेने वाले हैं। एक बात बताओ। हाँ। बाइक तो तुमने बहुत ली है। हाँ। इसमें ऐसा क्या खास है, मतलब कि ट्रायम्फ इसमें यार खास बहुत बड़ी बात है। देखो ट्रायम्फ एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है और ट्रायम्फ की बाइक ऑन करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ट्रायम्फ की बाइक यार बहुत ज़्यादा प्राइस के अंदर आती है, बहुत सुपर बाइक्स बनाती है वो, ठीक है। और इनकी जो अफोर्डेबल बाइक थी पहले वो 9 से 10 लाख रुपए में आती है ऑन रोड, लेकिन अभी बजाज और ट्रायम्फ की जो कोलेब्रेशन हुई है ना, तो ऑल थैंक्स टू बजाज, बजाज की वजह से पॉसिबल हो पाया है कि अब हम 3 लाख रुपए के अंदर ट्रायम्फ की बाइक ऑन कर सकते हैं। तो अभी जो स्पीड 400 लॉन्च हुई है और स्क्रैम्बलर 400X आने वाली है, उसका भी प्राइस 3 लाख रुपए के आसपास ही रहेगा, लेकिन स्पीड 400 का ऑन रोड प्राइस 3 लाख रुपए के अंदर ही है। और अपनी पूरी तैयारी भी हो चुकी है, ये देखो। हाँ, ड्रीम बाइक। यस, ड्रीम बाइक यार। तो अपना हेलमेट तैयार है और राइडिंग ग्लव्स, जैकेट और माइक भी चार्ज कर लिया है, अपना गोप्रो, DJI सब कुछ चार्ज कर लिया है, फुल एकदम रेडी है। खुद भी चार्ज हो चुका हूँ और पूरी एनर्जी के साथ आज बाइक लेके आने वाले हैं। कोई बात नहीं, आपको हम बाइक स्पेशली दिखाएंगे ना। आप अपनी ड्यूटी पे जाओगे, उसके बाद मैं लेके आऊँगा बाइक और आपको स्पेशली दिखाने लाऊंगा हॉस्पिटल में कि बाइक कैसी लगी आपको, ठीक है। ओके, तो अभी टाइम हो चुका है, अभी 11 बज चुके हैं और उन्होंने हमें टाइम दिया था लगभग 12 बजे का। और अपने दो अनमोल रतन आशु और अजय भाई आ चुके हैं नीचे, मेरा वेट कर रहे हैं, तो जाके फटाफट से जाते हैं, गाड़ी लेके आ रखे हैं वो लोग। सो फटाफट अपना सामान उठाते हैं और अब निकलते हैं बाइक लेने के लिए। तो भाई अपने दोनों चीते आ गए हैं और अब बाइक लेने के लिए हम निकल चुके हैं। तो अजय भाई, आपके कहने पे बाइक ले रहा हूँ भाई मैं ये, और मैंने उसी दिन अजय भाई से पूछा था कि भाई ये बताओ कि बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो अजय भाई बताएंगे बाकी इन्होंने क्या बोला। मैंने कहा था 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे इसको लेके। तो देख लो भाई, हो जाएंगे भाई, कंटेंट है ये और चीज भी बहुत प्यारी है यार। चीज तो प्यारी है यार, नो डाउट यार, अब ट्राइम के अलावा तो क्या ही है। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल भाई, चीज तो तगड़ी है। तो सिस्टम है भाई, सिस्टम सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा भाई। तो भाई 11:30 हुए हैं, अभी 12 बजे तक हम पहुंच जाएंगे और फिर देखते हैं अपना जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी वो पूरी करेंगे। और इंडिया की पहली डिलीवरी भाई, इंडिया की या वर्ल्ड की, वर्ल्ड की मान लो या इंडिया की मान लो, फर्स्ट डिलीवरी होने वाली है ये। तो भाई अब पहुंच चुके हैं ट्रायम्फ के शोरूम पे और अब देखते हैं भाई कितना टाइम लगेगा बाइक लेने में। मौसम बढ़िया हो गया यार आज, अजय भाई मौसम तो तगड़ा हो गया यार, है ना, मौसम मस्त हो रहा है। मैं सोच रहा था कि यार धूप होगी, बड़े परेशान से हो जाएंगे, पर एक दिक्कत हो रहा है। हाँ, बारिश आ गई, कीचड़ होगी, नई बाइक लेने आए भाई साहब, बराबर धोलेगी। हाँ बराबर धोलेगी यार, मेरे भी जूते वूते सब खराब हो जाएंगे यार। और भाई यहाँ टेस्ट राइड भी स्टार्ट हो चुकी है, देखो टेस्ट राइड ले रहे हैं लोग। अगर आपको भी टेस्ट राइड लेके देखेंगे ना, तो आगे देखो भाई यहाँ पे टेस्ट राइड स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई यहाँ शोरूम पे आते ही देखो यहाँ पे खड़ी है अपनी ब्लैक में स्पीड 400 और ये खड़ी है भाई ट्राइडेंट 660, मेरी भाई फेवरेट बाइक है ये, कभी इसी को इसको भी लेंगे अजय भाई हैं, वो वाली जहाज। ओ भाई ये तो भाई तगड़ा ही सिस्टम है भाई, ये देखो यार क्या तगड़ी तगड़ी बोनेविल T120 भाई, तगड़ी चीज़ है भाई, ये तो गजबी चीज़ है भाई। यही है वो जो मैं बता रहा था 9 से 10 लाख रुपए की, बहुत ब्रॉड टायर हैं, 3 सिलेंडर इंजन, 660 cc, ज़बरदस्त पावर और वेट भी बहुत कम है, वेट भी ज़्यादा नहीं है, बहुत तगड़ी मशीन है भाई। ब्लैक में भी तगड़ी लग रही है वैसे, ब्लैक भी अच्छा लग रहा है, और इन दोनों के ब्लैक यार सिमिलर सा लग रहा है काफ़ी हद तक, टैंक का जो डिज़ाइन है वो। तो भाई आ गए हैं ट्रायम्फ के शोरूम में और अपनी बाइक की डिलीवरी लेने के लिए, लेकिन आज तो भाई 4 बाइक्स की डिलीवरी होने वाली है और यहाँ पे आपको ट्रायम्फ की स्पीड 400 ही नज़र आएगी। देखो यार कितनी सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं, वहाँ पे खड़ी हुई भाई ट्रायम्फ की स्पीड मास्टर, ओ भाई बहुत तगड़ी धांसू बाइक है यार ये तो, 1200 cc की बोनेविल सीरीज़ की, बहुत ही तगड़ी धांसू दिखने वाली बाइक है भाई। ऑन रोड प्राइस इसका 15 लाख रुपये के आसपास का है और ये भाई
ट्राइम स्पीड 400 अपनी बाइक जो हम लेने वाले हैं, लेकिन ये अपनी वाली नहीं है। अपनी वाली कौन सी होगी आप वो गैस करके बताओ। यहाँ पे भी देखो, यहाँ भी खड़ी हुई है अपनी स्पीड 400 रेड कलर में, और ब्लैक कलर और ब्लू कलर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये है इसका ब्लैक वाला कलर। यार ब्लैक वाला कलर भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब आने के बाद ना तो आशुत ये कह रहा है भाई कि ब्लैक वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन नो डाउट यार ब्लैक के भी कलर काफ़ी अच्छे हैं, इसमें भी ड्यूल टोन ग्राफिक है और काफ़ी अच्छे से हाईलाइट हो रहे हैं इसके भी कलर, तो आप इसके लिए भी जा सकते हो। और मैं पर्सनली भाई आपको ये बताऊंगा कि आप ना कोई भी कलर डिसाइड करने से पहले एक बार शोरूम पे आओ, अपनी आंखों से देखो, टेस्ट राइड लेके देखो और सारे कलर्स को देखो, और फिर फाइनली आप करना कि आपको कौन सा कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये हो गया इसका ब्लैक वाला कलर और ये हो गया इसका ब्लू वाला कलर। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँ ना यार, तो मुझे रेड वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, दूसरे नंबर पर मुझे ये ब्लैक वाला अच्छा लगता है, और तीसरे नंबर पर फिर ये आता है। तो सबसे पहले रेड, ब्लैक और फिर आता है ब्लू का नंबर। और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने वाली बाइक कौन सी है। यहाँ पे भी खड़ी हुई है भाई स्पीड 400, लेकिन अपने वाली बाइक भाई ये है 1271। बाइक का नंबर भी आ चुका है और चमचमाती हुई एकदम तैयार होके गाड़ी खड़ी हो चुकी है। बस अब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है थोड़ी सी, और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके बस गाड़ी को बाहर निकालते हैं फिर फटाफट। तो भाई अभी शोरूम पे आने के बाद हमें पता चला है कि सबसे पहली डिलीवरी अपनी होने वाली है, मतलब कि यार सबसे पहले दिल्ली में ट्राइम स्पीड 400 आपके भाई को मिलने वाली है। मैंने पहले ही आपको बताया था ना कि भाई दिल्ली में सबसे पहले बाइक आपका भाई लेगा स्पीड 400। सो ये वाली बाइक अपनी रेडी हो रही है, ये अपने वाली बाइक है और ये दूसरी बाइक है। आज इन दोनों बाइक्स की डिलीवरी होगी सबसे पहले। तो भाई अजय भाई काफ़ी देर से लगे हुए यार बाइक की पीढ़ियाई करने के लिए, मतलब देख रहे हैं कि बाइक में क्या है, क्या कोई कमी तो नहीं है। अरे भाई एक एक चीज़ देख रहा हूँ क्या है, क्योंकि ज़रूरी होती है नई बाइक लेने से पहले उसको टेस्ट करना। लेकिन भाई इसमें तो ज़्यादा कुछ देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ परफेक्शन के साथ लगाई हुई है। मतलब एक एक पार्ट ऐसा लग रहा है ना कि यार वाकई में क्वालिटी मैटर्स करते ना, वो वाली चीज़ें इसमें हर चीज़ बेस्ट है। फिर भी कुछ चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए आपको, जैसे कि टेल देखनी चाहिए, क्या चेसिस पूरी सीधी है, टेल बिल्कुल। कई बार हम नई बाइक लेते हैं ना तो टायर और उसकी टेल में हल्का सा फ़र्क पाता है, तो वो भी हम चेक नहीं कर पा रहे क्योंकि ये स्टैंड पर खड़ी हुई है। जब उतर जाएगी मैं उसको आपको दिखाऊंगा कैसे आपको चेक करना है। दूसरा हैंडल चेक करते हैं मेनली ना, दोनों हैंडल को घुमाकर और टैंक में देते कितना स्पेस बाकी है। कई बार रहता है कि हैंडलिंग में, ट्रांसपोर्टिंग में बाइक दाएं बाएं गिर जाती है तो हैंडल हल्का बैंड हो जाता है, तो भी वो दोनों चीज़ हम चेक नहीं कर पा रहे हैं। वो आपको जब स्टैंड से उतर जाएगी डिलीवरी मिलेंगे तब बताएंगे। लेकिन बाकी मैंने इसमें चेक कर लिया है, बाकी तो भाई मतलब बहुत अच्छी फिनिशिंग है, तो कोई कमी लगता नहीं कि पाई गई कंपनी ने काफ़ी अच्छा ध्यान दिया इस चीज़ को लेकर ना। एक चीज़ और देखी मैंने इसमें वेल्डिंग की, मुझे लगा कि वेल्डिंग थोड़ी सी ना बेकार लगी, लेकिन बहुत तरीके से उसका पेंट है ना उसको बहुत तरीके से किया गया है, हर चीज़ को बहुत तरीके से मतलब तराशा गया है। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है हर एक पार्ट को बनाने में, लगाने में। जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट में ना मैक्सिमम बाइक्स में आपको फ़र्क मिलेगा मेरे 390 जो थी उसमें भी, इसमें भी आपको हल्का सा फ़र्क मिलेगा। आप यहाँ देखेंगे ना तो ये थोड़ा सा इस तरफ है और ये इस तरफ, ये सब हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टिंग में हो जाता है, लेकिन ये कोई इशू नहीं है, ये हो जाएगा सीधा, ठीक है। सो गाइज फाइनली स्पीड 400 रिवील हो चुकी है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच यार, वेलकम। चेक सेरेमनी करो। ओके तो भाई आज अब दीदी को केक खाना है फटाक से। तो भाई फाइनली अब तैयार है अपनी बाइक, बस राइडिंग गियर्स पहनने हैं अपने, हेलमेट, राइडिंग जैकेट, ग्लव्स। तो गाइस फाइनली स्पीड 400 की डिलीवरी मिल चुकी है, बाइक हमने बाहर निकाल ली है शोरूम से और अब बस बाइक को रोड पे दौड़ाएंगे यार। अब जाते ही बस इसके अंदर फ्यूल डलवाना है, टैंक को फुल करवा देंगे और फिर उसके बाद इसकी माइलेज टेस्ट और जितने भी इसके टेस्ट होंगे ना वो सारे करके देखेंगे। बाकी बाइक यार बैठने में एकदम कम्फर्टेबल लग रही है मुझे और काफ़ी अच्छा फील आ रहा है, हैंडल बार काफ़ी वाइड है और राइडिंग पोस्चर भाई बहुत अच्छा है। और बाइक क्या चमक रही है ना एकदम से, हर जगह पर जहाँ पर ट्राइम्प लिखा हुआ ना एकदम चमक के आ रही है।
और लुक्स तो भाई धांसू ही है इस बाइक के, देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और टायर भी काफ़ी अच्छे सुपर वाइड टायर्स हैं इसके अंदर, टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफ़ी अच्छी है। तो फिर हम फटाफट चलते हैं रोड पे और अपना जो DJI Osmo Action 4 है उसको भी इस पे सेट करेंगे और फिर लगा के चलाते हुए बाइक में क्या फील आएगा वो मैं आपको शेयर करूँगा। सो गाइस बाइक निकाली है शोरूम से बाहर और भाई बाहर निकलते यार इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना आज, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, पसीने आ रहे हैं पूरा ऊपर से नीचे तक, पूरा पसीने पसीने हो चुका हूँ मैं क्योंकि अपनी राइडिंग जैकेट भी नहीं है, राइडिंग ग्लव्स भी नए हैं, बाइक भी नहीं है, अपना DJI का जो एक्शन कैम है ये भी नया है, तो भाई पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना अपना पूरा सिस्टम नया है भाई। साइड स्टैंड लगा होगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, तो साइड स्टैंड हटा लिया है और अब अपनी बाइक हो गई है स्टार्ट और 0 किलोमीटर इसमें दिख रहा है भाई कि बाइक अभी 0 किलोमीटर ही चली है। तो अभी फर्स्ट टाइम मैं भाई अपनी जो बाइक है स्पीड 400 उसको चला रहा हूँ फर्स्ट टाइम, और ओ भाई साहब ये तो बहुत ही तगड़ी चीज़ है भाई, ये तो बवाल चीज़ है भाई,